आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने प्रमंडल स्तरीय बैठक आज जमुई जिला में की। जिला कांग्रेस कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार में बाहर है यह तो जनता आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर तय कर ही देगी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, मेडिकल फैसिलिटी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जिस प्रकार से बिहार में बदतर हालात में चली गई है, इसका हिसाब किताब विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता इस बार करेगी। बिहार में बाहर है ये तो जनता आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर तय करेगी, पर जहाँ तक बिहार की मैं बात करूँ, पिछले दो वर्षों का जो मेरा अनुभव है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ को देने की बात हो, और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, जिस प्रकार से स्कूलों की हालत बिहार के अंदर कर दी गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तो पूर्ण रूप से बर्बादी के कगार पर मौजूदा सरकार ने पहुँचा दी है, और शिक्षकों की मैं बात करूँ खास तौर पे, शिक्षकों के साथ भी एक बहुत बड़ा अन्याय बिहार सरकार ने किया है। तो बाहर तो कहीं नज़र नहीं आती, पर निश्चित बर्बादी का तांडव पूरे बिहार में निश्चित रूप से चल रहा है। शराबबंदी के घोटाले बहुत बड़े घोटाले हैं, और लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुकी है। किसान की कमर पूर्ण रूप से तोड़ दी गई है बिहार में। पिछले दो वर्षों में जब से मैं बिहार को देख रहा हूँ, किसान MSP अपनी फसलों की लगातार मांग कर रहा है, परंतु 1100-1200 रुपये प्रति क्विंटल के अंदर गेहूं और धान बेचने के लिए मौजूदा नीतियों की वजह से मजबूर है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, दलित भाई जो किसान वर्ग से खेती करने का काम करते हैं, ये तमाम वर्ग जो हैं, ये मुँह तोड़ जवाब आने वाली सरकार को देंगे, और निश्चित रूप से कांग्रेस और गठबंधन की एक मजबूत सरकार का गठन जो है बिहार में होने जा रहा है।